कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है बफेलो ग्लेन हाई स्कूल के ग्रेजुएशन डे से। सभी को यहाँ आकर अपनी स्पीच देनी है। इस क्रम में बारी है डेनिस कोवनमैन की। डेनिस काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसे वैलेडिक्टोरियन का टाइटल मिला हुआ है। जब वो स्टेज पर आया है तब उसे अपनी स्पीच देनी है। वो स्पीच देना शुरू तो करता है पर ये स्पीच कम और प्यार का इजहार ज्यादा है। यह वो खूबसूरत बेथ कूपर के प्रति अपने प्रेम का इजहार करता है। वो कहता है, जब मैं 7th ग्रेड में था तब मैंने मैथ की क्लास में बेथ तुमको पहली बार देखा था। मैं तो अपना दिल हार बैठा था। जब जब मैं तुम्हारे पीछे बैठता था तब तब मुझे तुमसे प्यार हो जाता था। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है पर कभी नहीं कहा क्योंकि हमने कभी बात ही नहीं की थी। पर अब मुझे किसी का डर नहीं, तुम्हारा भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके साथ ही डेनिस अपने ईटिंग डिसऑर्डर को भी कन्फेस करता है। वो ये भी कन्फेस करता है कि वो एक मोरन है। यहाँ रिच गर्ल वेले को टॉन्ट भी करता है, ग्रेग की भी बुराई करता है, बेथ के बॉयफ्रेंड केविन जो कि आर्मी में सोल्जर है उसकी बुराई करता है। अपने बेस्ट फ्रेंड रिच से रिक्वेस्ट करता है कि अब उसे फाइनली ये एडमिट कर लेना चाहिए कि वो गे है। रिच इस बात को सुनकर बड़ा एम्बेरस हुआ है। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि यहाँ की टीचर उसे आगे बोलने से रोक देती है। बाद में टीचर डेनिस से पूछती है कि क्या प्यार के इजहार के लिए उसे यही वक्त मिला था। डेनिस कहता है, आपने भी तो कभी प्यार किया होगा। टीचर उस मोमेंट को याद करती है जब वो किसी के साथ रति क्रिया करने में मशगूल थी। इन सब के बाद वो चली जाती है। डेनिस से मिलने बेथ आई है। वो डेनिस को डांटती है। वो कहती है, तुमने मुझे एम्बेरस किया है। इसके बाद वो अपने अंग प्रदर्शन से दिखाती है कि वो वाकई में कितनी हॉट है। यहाँ रिच भी आ जाता है। डेनिस बेथ को अपने यहाँ पार्टी पर बुलाता है। तभी यहाँ बेथ का बॉयफ्रेंड केविन आ गया है। वो डेनिस पर हिंसक होता है। इतने में टीचर आकर केविन को रोकती है। डेनिस और रिच जब साथ में है तब हमें इनकी बातों से पता चलता है कि डेनिस की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी जबकि रिच तो है ही गे। डेनिस काफी डरपोक किस्म का और रूल्स को फॉलो करने वाला शख्स है। स्कूल के लड़के को डिसिप्लिन लड़के पसंद नहीं है। डेनिस अपने घर आ गया है। उसके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं। उसके फादर को पार्टी के बारे में पता चला है। वो कहते हैं, बेटा हम दोनों तो जा रहे हैं पर अगर तुम्हें निरोध की जरूरत हो तो कमरे में रखा है, उसे ले सकते हो। डेनिस के फादर को लग रहा है कि आज उनका बेटा वर्जिनिटी की दीवार को तोड़ देगा पर इस बारे में डेनिस और रिच श्योर नहीं है। बेथ अपनी सहेलियों कैमी और ट्रिस के साथ यहाँ पहुंची है। डेनिस और रिच काफी नर्वस होते हैं। बेथ पहले तो डेनिस का बड़ा मजाक उड़ाती है कि वो कितना डरपोक है। बाकी की सहेलियां डेनिस को क्यूट कहती हैं। बेथ पूछती है कि अगर यहाँ पार्टी चल रही है तो बाकी लोग आए। धीरे धीरे पता चलता है कि डेनिस ने कोई पार्टी नहीं रखी पर बेथ और उसकी फ्रेंड यहाँ एंजॉय करना शुरू कर दिए हैं। रिच और डेनिस निरोध ले आए हैं। इसका इस्तेमाल यहाँ गुब्बारे के रूप में किया जा रहा है। पहले तो बेथ डेनिस पर वायलेंट होती है पर उसकी क्यूटनेस देखकर उसे छोड़ देती है। जब वो डेनिस के ऊपर चढ़ती है तब डेनिस को इरेक्शन होता है। बेथ इसे रियलाइज करती है, अपनी सहेलियों से इस बारे में बताकर उसका मजाक उड़ाती है। डेनिस भी अपने अंगों को छुपाने की कोशिश करता है। इतने में केविन अपने साथियों के साथ हम्मर में पहुंचा है। केविन और उसके साथी यहाँ डेनिस को मारने आए हैं। डेनिस घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। हर जगह वो कुर्सियां और सोफे से बंद करने में लगा हुआ है पर वो एक दरवाजा बंद करना भूल गया। केविन और उसके साथी यहाँ एंटर कर जाते हैं। बेथ उसे यहाँ से जाने को कहती है। केविन नहीं मानता। केविन के साथी यहाँ के किचन में तोड़फोड़ करते हैं। डेनिस को भी वो मारना शुरू करते हैं। बेथ और उसकी फ्रेंड रिच और डेनिस को बचाने आती है। पांचों बेथ की कार में भागते हैं। इसके बाद ये पहुंचे हैं गैस स्टेशन। यहाँ ये बियर खरीदने को जाते हैं। एयर क्लर्क बेथ का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा बियर देने के लिए। इस ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा है कि बेथ 37 साल की है। अब ये बात भला कौन यकीन करे। बेथ क्लर्क को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करती है। क्लर्क कहते हैं कि वो अपनी जॉब नहीं खो सकता। बेथ इसके बाद क्लर्क को कई किसेस देती है। इस पर क्लर्क ने बेथ को बियर दे दिया है। डेनिस यहाँ रियलाइज करता है कि बेथ वैसी नहीं है जैसी उसने ख्वाब में देखा था। इसके बाद ये एक सुनसान जगह पे पहुंचे हैं। यहाँ ये बोन फायर करते हैं। डेनिस बेथ से कहता है कि बेथ को यूं अपने आप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बस बियर के लिए किसी अजनबी को किस कर बैठी। वो कहते हैं कि वो बेथ की बहुत रिस्पेक्ट करता है। बेथ इस बात को रियलाइज करती है। इतने में रिच और बेथ की सहेलियां गौशाले के पास पहुंची हैं। गाय के गोबर पर रिच का पांव पड़ जाता है। यहाँ की गाय इन्हें दौड़ाना शुरू करती है। इधर बेथ डेनिस से एक किस सॉन्ग का इजहार करती है। वो कहती है कि उसका नाम इस सॉन्ग पर बेस्ड है।
बेथ को यहाँ रियलाइज हुआ है कि डेनिस उससे कितना प्यार करता है, वो उसके प्यार को एक्सेप्ट देती है। तब यहाँ की गाय आकर इन्हें दौड़ाना शुरू करती है। ये सभी बेथ की कार में भागना शुरू करते हैं। यहाँ में बेथ की रेकलेस ड्राइविंग का पता चलता है। वो बड़े वाहियात तरीके से कार को चलाया जा रही है। ये रास्ते में कार को देखते हैं, इसमें और कोई नहीं बल्कि डेनिस के पेरेंट्स आपस में संभोग कर रहे हैं। बेथ की कार इनसे क्रैश करने वाली थी, पर एन मौके पर बेथ ने इसे रोक दिया। इसे भी डेनिस के फादर को बिना पैंट के नहीं देखना चाहते। बेथ ड्राइव करते हुए उन्हें वैली के घर ले आती है। यहाँ प्राइवेट पार्टी चल रही है। यहाँ ग्रेग डेनिस को पकड़ कर अकेले में ले जाता है। ऐसा लगता है उसे मारने वाला है, पर वो डेनिस के कंधों पर सर रखकर रोते हुए कहता है, तुमने मुझे सच में समझा है, आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। डेनिस भी उसे थपथपी देता है। इतने में केविन अपने साथियों के साथ पहुंचा है। वो डेनिस को मारना शुरू करता है। ग्रेग डेनिस को बचाने आता है। वो केविन को कई पटखनी देता है। तभी बेथ केविन के हमर को क्रैश करती है। अपने दोस्तों और डेनिस को लिए वो यहाँ से भागती है। बेथ इन सभी को अपने स्कूल लाई है। उसके पास स्कूल की चाबी है। एज ए चीयर लीडर उसे चाबी मिली हुई है। बेथ अपनी सहेलियों के साथ डेनिस को अपनी चीयर लीडिंग वाले डांस को दिखाती है। डेनिस उसे बड़े गौर से दिखता है। इसके बाद ये साथ में शावर लेने जाते हैं। बेथ नग्न अवस्था में डेनिस के सामने आती है। डेनिस नर्वस हो जाता है। बेथ इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ नहाने चली गई है। इधर डेनिस पर केविन का हमला हुआ है। रिच इनसे लड़ने की कोशिश करता है। उसका सबसे बड़ा हथियार है उसका तौलिया। यहाँ टॉवल फाइट जोरों पर है। इस घमासान लड़ाई में रिच भारी पड़ा है केविन पर, और उसका काम आया है तौलिया। रिच के तौलिए के वार को केविन झेल नहीं पा रहा। इतने में बेथ फिर से अपनी कार ले आई है। पांचों इसमें भागते हैं। अब तक डेनिस को काफी चोटें पहुंचाई गई हैं। उसके नोज से ब्लीडिंग हो रही है। बेथ डेनिस से अपनी शर्ट उतारने को कहती है। डेनिस ऐसा करता भी है। बेथ शर्ट को घुमाते हुए मजे लेती है। जब उसे बाहर फेंक देती है तब बेथ और डेनिस इसे लेने जाते हैं, पर यहाँ जंगली बिल्ली आ जाती है। वो इन दोनों पर झपट्टा मारने को आगे बढ़ती है। बेथ और डेनिस यहाँ से भागते हैं। इसके बाद बेथ की फ्रेंड ट्रीस के फैमिली केबिन में पहुंचे हैं। बेथ और डेनिस तो लेक किनारे बैठे सनराइज होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इधर ट्रीस और कैमी रिच के साथ हैं। और इससे पूछते हैं, क्या तुम सचमुच गे हो? रिच कहता है कि उसे नहीं मालूम कि वो क्या है। वो अब तक इस बारे में श्योर नहीं हो पाया। इसके बाद तीनों आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इस सहवास के बाद रिच को पूरा यकीन हो गया है कि वो गे है, पर ट्रीस को ऐसा नहीं लगता। इधर बेथ और डेनिस अपना पहला किस परफॉर्म करते हैं। बेथ कहती है कि उसने गलती की कि केविन जैसे लड़के को उसने चुन लिया। वो कहती है केविन एक लूजर है, वो उसके तो क्या किसी भी लड़की के लायक नहीं है। इसके बाद बेथ और डेनिस हम बिस्तर होते हैं। इन सब के बाद ये वापस डेनिस के घर लौटे हैं। डेनिस के फादर ने फिगर आउट कर लिया कि उनके बेटे ने वर्जिनिटी की दीवार को ढहा दिया है। उन्हें इस बात की तो खुशी है, पर इस बात पर गुस्सा भी है कि डेनिस और उसकी केविन के साथ फाइट की वजह से घर को कबाड़खाना बना दिया गया है। वो कहते हैं कि डेनिस को इस बात की सजा मिलेगी, भरपूर मिलेगी। बेथ यहाँ से जाते हुए डेनिस को किस करती है। उसकी आंखों में अब डेनिस के लिए प्यार है। वो उसे कहती है, मुझे इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया। डेनिस कहता है, तुम में प्यार नहीं करने के लिए है ही क्या। इन्होंने हाई स्कूल रियूनियन पर फिर से मिलने का वादा किया है, और अगर ये तब तक कुंवारे रहे तो दोनों ने फैसला किया है कि ये आपस में ही शादी कर लेंगे। इस तरह ये पार्टी समाप्त हो गई है। बेथ अपनी सहेलियों के साथ चली गई है। रिच डेनिस से एडमिट करता है कि हाँ, वो वाकई में गे है, पर वो लड़की में भी इंटरेस्ट रखता है, यानी वो दोनों जेंडर को पसंद करता है। डेनिस कहता है कि वो बेथ से मिलने के लिए रीयूनियन का इंतजार नहीं कर सकता। रिच भी उसे बेथ को प्रपोज करने की सलाह देता है। दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि डेनिस को बेथ को कैसे प्रपोज करना चाहिए। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त